नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। डोईवाला में थाना रायपुर मोटर मार्ग पर बने धनगाड़ी पुल के अप्रोच रोड का हिस्सा धंसने के बाद कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर मोड पर है। बीते रोज घटनास्थल पर जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने खुद जाकर पूरा जायजा लिया था, वहीं अगले ही दिन कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने बीजेपी सरकार पर बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोर्चा संभाल लिया। कांग्रेस ने 8 किलोमीटर की पदयात्रा निकालते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 8 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल व प्रीतम सिंह के अलावा भारी तादाद में पार्टी के लोग मौजूद रहे। ये जो आम लोग कहना चाहते हैं वही मैं भी कहना चाहता हूं कि 4 साल में किस प्रकार जो है धराशायी हो रहे हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या था? और जो लोग इस भ्रष्टाचार के लिए दोषी हैं, जो लोग पदों पर उस समय थे, जो लोग उस समय उस विभाग में कार्यरत थे और जवाबदार लोग हैं, उनको क्यों दोबारा सस्पेंड करने के बाद उनको दोबारा सेवायोजित क्यों किया गया, क्यों माफ किया गया, किसने कॉम्प्रोमाइज किया इस भ्रष्टाचार से? तो आज सभी लोगों के मन में प्रश्न है और उसी के लिए सब लोग यहाँ पर जमा हैं। इंतजार हो रहा था, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। 3 पुल एक साथ ध्वस्तीकरण हो रखे हैं, अभी ये पुल टूटा था, इसमें कई लोगों की जान भी गई हुई है। इसको रिपेयर के लिए 3 करोड़ रुपये भी दिए गए थे, फिर भी उसमें कोई काम नहीं हुआ अभी तक। सारे पुल टूटे हुए हैं, भ्रष्टाचार बहुत ही चरम सीमा पे है। उसी का जो है गुस्सा ये लोगों में फूट रहा है, स्थानीय लोगों में भी और हर लोगों में। ये लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पर, चाहे वो खनन का काम हो, ये पुलों का काम देख लो, पूरी जो है अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और लोग घर से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। और आज ये हमने पदयात्रा का अश्वनी बोगणा जी के नेतृत्व में किया है, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, तो यही भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पुल टूटे हुए हैं इनको दिखाने के लिए, सरकार को चेताने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए ये आप हमने रैली का यहाँ पे प्रोग्राम किया हुआ है।